दोस्तों रेडमी के सीईओ मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को बताया है कि वो एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं 48 मेगापिक्सल के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ़ोन रेडमी नोट 7 का सक्सेसर होने वाला है। बहुत कुछ अपडेट इस फ़ोन में नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये फ़ोन होने वाला है रेडमी नोट 7 का एक छोटा सा अपडेट वर्जन, ये आपको लॉन्च करके मिलेगा, जो कि 20 तारीख को इन्होंने एक टीजर के थ्रू स्पेस का फ़ोटो शो करके इन्होंने दिखाया है। तो क्या होने वाला है इस फ़ोन में मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूं F1 टेक में। दोस्तों आपको याद होगा रेडमी नोट 7 प्रो जो कि स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता था, सब कुछ सेम आपको जो 20 तारीख को फ़ोन लॉन्च होने वाला है वही कुछ मिलने वाला है। इसमें बस आपको कैमरा के थोड़े अपडेट मिलेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह हुई कि ये फ़ोन बहुत ही प्राइस कम में लॉन्च होने वाला है, यानी कि 10,000 के रेंज में ये फ़ोन होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि 48 मेगापिक्सल में दो तरह के सेंसर आते हैं, एक सोनी का सेंसर होता है, एक सैमसंग का सेंसर होता है। सोनी का सेंसर बहुत महंगा आता है, उसका प्राइस जो है रेडमी नोट 7 के कंपेयर करें तो 14,000 में वो फ़ोन जो कि सोनी के सेंसर के साथ आता है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है GM1 सेंसर के साथ होने वाला है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। तो मेरे हिसाब से तो GM1 ही आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, बिल्ड क्वालिटी, आपको लुक सारे कुछ सेम मिलने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा हल्का सा अपडेट हुआ है कैमरा के थ्रू। प्राइस बहुत ही अफेक्टेड होने वाला है, ये जो है बहुत ही मार्केट में एक तरह से फिर से बूम करने वाला है कैमरा को लेकर के। और देखने वाली बात हुई कि क्या आपको मिलने वाला है इस फ़ोन में, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। उन्होंने तो एक स्पेस का फ़ोटो डाला है, कुछ फ़ोटोग्राफ डाले हैं, AI के फ़ोटो हैं, कुछ सेल्फीज वगैरह भी उन्होंने यहाँ पे शो किया है। तो देखने वाली बात है क्या होता है यहाँ पे, और हम 20 तारीख को वेट करेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले कि क्या कुछ होने वाला है इस फ़ोन में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।